सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से यह है कि जिस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए जिसमें गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण है? और जीडीपी भी कोरोना के कार्यकाल में 2% से गिरा, बात सही है 2% से, मगर 21-22 में फिर 29.1% वापिस इंक्री हुआ, अभी 22-23 में तो अबाउट 30% हो ही गया। सवाल मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला वो गलत बोला है, तो मैं सवाल बड़ा सरल है, वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 13,000 एमएसएमई बंद हुई, जो पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। हम ये अगर अनुमान लगाएं कि 50 लोग एक एमएसएमई में भर्ती होकर काम करते हैं, रोजगार लेते हैं, तो अगर 13,000 यूनिट्स बंद होती हैं तो लगभग 6.5 लाख लोगों की नौकरी चली जाती है। सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से ये है कि जिस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए जिसमें गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण है और खास तौर पे उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है कि एमएसएमई के अंदर 19, 20, 21 और 22-23 से 3-4 सालों में जीडीपी में गिरावट आई है, ये उसका कहना है, वैसा एक्सपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट में सर, एक्सपोर्ट में 2 साल में कोरोना के कार्यकाल और जीडीपी भी कोरोना के कार्यकाल में 2% से गिरा, बात सही है 2% से, मगर 21-22 में फिर 29.1% वापिस इंक्री हुआ, अभी 22-23 में तो अबाउट 30% हो ही गया होगा। तो कोरोना के कार्यकाल में गिरावट हुई मैं मानता हूँ, एक्सपोर्ट भी कम हुआ वो भी मैं मानता हूँ, मगर अभी एक्सपोर्ट भी इसमें 45.83% हो गया है, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण कोरोना के कार्यकाल में मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला वो गलत बोला है, तो मैं आप उसके लिए दूसरे रास्ते हमारे जागो चड्ढा जी, आप सवाल पूछे। अच्छा, मैं आगे चल, मैं एक 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 मैं एक सवाल एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप सवाल पूछ, सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटा कार्य सवाल एक सवाल पूछे एंटरप्राइज होता है, जो गरीब लोगों को रोजगार देता है, उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और खास तौर पे इस एनपीए डिफॉल्ट से डील करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही कहा कि कोरोना के कार्यकाल में कई उद्यमी बंद हुए थे, कामगार भी चले गए थे, उस वक्त गिरावट जरूर थी जीडीपी में। अगर उसी तरह लोगों ने लोन भी रिपेमेंट न किया, एमपी बहुत सारे अकाउंट एमपी हो गए, इसलिए इमरजेंसी क्रेडिट योजना 5 लाख करोड़ देश के पंतप्रधान जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए दिए, उसमें से 2,41,000 करोड़ ये उद्यमी के लिए, और जिन्होंने का एमपीए हुआ उनको भी वापस लोन देने के लिए, उसका जो लिमिट था 1 करोड़ वो 5 करोड़ तक लेके गए, उनको उनको पुनर्जीवित करने का काम सरकार ने किया, इसलिए उत्पादन फिर बढ़ा, पहले इतना ही उत्पादन बढ़ा, कुछ घाटा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो सभी इंडस्ट्री फिर चालू हो गए हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँ।